अब मैं श्री माधव पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, जो माध्यमिक शाला लिधोरा जिला दमोह में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। श्री पटेल द्वारा अभ्यास प्रश्नों का आकलन किया गया, छात्रवार उत्तरों का परीक्षण और विश्लेषण किया गया एवं इस आधार पर आवश्यक अकादमिक हस्तक्षेप किए गए। माधव जी, सबसे पहले तो आपको राज्यपाल पुरस्कार भी प्राप्त है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अगर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का माध्यम है तो वो गुरु है जी। वो शिक्षक है, क्योंकि सीधा विद्यार्थियों से नाता शिक्षक का ही होता है और शिक्षक अगर तन्मयता के साथ अपने काम को करता है तो परिणाम कैसे बेहतर आते हैं ये आपने भी दिखाया। सीखने के प्रतिफल आउटकम की मैपिंग आपने कैसे की, लर्निंग आउटकम की जो मैपिंग है जी, आप बताइए, एक तो बच्चों को प्रेरित कैसे किया, तैयारी कैसे कराई, लर्निंग आउटकम की मैपिंग कैसे की जी, जी। क्योंकि परंपरागत तरीके से जो पढ़ाई चल रही थी उसमें से बाहर निकालना, बच्चों को मानसिकता बनाना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। तो सब जानना चाहेंगे आपने क्या किया जी। सबसे पहले अहम प्रश्न तो था कि विद्यार्थियों को हम विद्यालय तक ले आए, इसके लिए SMC के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि थे और स्थानीय समुदाय के वरिष्ठ लोग थे उनका सहयोग लेके हम लोग पालकों के घर घर गए और पालकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया कि ये तय किया कि हम विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय तक भी विद्यालय में बिठाएंगे। तो पहला लक्ष्य तो हमारा पूरा हो गया सर कि हम विद्यार्थियों को स्कूल तक ले आए। दूसरा, हम लोगों ने ये पहले टारगेट बनाया कि 2017 के वो लर्निंग आउटकम्स जिनमें हम औसत थे या औसत से कम थे, पहले हम उनको लिखा एक अपनी डायरी में, फिर वो लर्निंग आउटकम किन किन पाठ्यांशों से लिए गए हैं उन पाठ्यांशों के साथ उनकी मैपिंग की कि ये वाला हिस्सा इस पाठ में आता है, फिर उन पाठों की प्रतिपूर्ति करने के लिए छोटे छोटे लेसन प्लान बनाए कि 40 मिनट में हम अवधारणा को इस तरीके से बता पाएंगे, इस तरीके से बता पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें यह हुआ सर कि जैसे हमने साप्ताहिक विश्लेषण किया, हल करवाए, जो राज्य शिक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र जाते थे वो करवाए, हल करवाने के बाद हमने विद्यार्थीवार आकलन किया कि अगर 15 क्वेश्चन थे तो जनरली 10 क्वेश्चन तो सभी विद्यार्थियों ने कर लिए, परंतु 5 प्रश्न ऐसे थे या तो छोड़ दिए या गलत कर दिए, तो उन किन 5 प्रश्नों को छोड़ा, किस प्रकार का पैटर्न था उनका, आखिर अवधारणा में कहां हमसे चूक रह गई, कमी रह गई कि हम विद्यार्थियों को वो डिलीवर नहीं कर पाए, उसके लिए हमने फिर से कार्य योजना बनाई और अगली सहयोगात्मक कक्षा में उन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस किया जिन अवधारणाओं में हमारे बच्चे औसत रूप से प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे। इसमें एक काम और कर लिया था साथ साथ कि हम लोगों ने जो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से प्रश्न आए वो तो करवाए, उनकी प्रकृति समझाने के लिए उसी तरीके के और भी प्रश्न डिजाइन करवाए ताकि विद्यार्थी ये समझ सके कि इस प्रश्न को ऐसे नहीं किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं भी ये समझना चाहता हूँ कि रटे नहीं उनकी समझ बढ़े जी, इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किए नहीं तो हम लोग बैठ जाते हैं एक एकम एक एक, एक दुनी दो, कई बार हमने स्कूल में देखा रटते चले जा रहे 2 दुनी 4, तो इस समझ बढ़े बाजार रटने के इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किया जाए जी। तो सबसे पहले तो जब वो विश्लेषण किया तो निकल के आया कि औसतन ये 10 बच्चे ठीक है, इन 5 को और सहयोग की आवश्यकता है, तो समूह में हमने प्रश्न दे दिए कि इस प्रश्न को आप बताइए किस किस तरीके से और पूछा जा सकता है, तो जब ग्रुप बनाए और बच्चों ने कहा कि घर्षण को इस तरीके से और पूछा जा सकता है, इससे और पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बच्चों ही से निकल के आया। और दूसरा काम ये किया कि जिन बच्चों का औसत अच्छा नहीं निकल पाया था साप्ताहिक मूल्यांकन में उनके लिए पृथक से पेडोगोजी मतलब प्रशिक्षण प्रक्रिया बदल के नए तरीके से छोटी स्थानीय परिवेश से उदाहरण लेके उन्हीं के बीच में फिर से प्रदर्शित किया और उसका प्रतिफल ये मिला कि जो लड़के हमारी मुख्य धारा से विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे थे, कमजोर प्रदर्शन था, वो मुख्य धारा में आए, वो अगले जब फिर से पुनः टेस्ट किया उनका तो वो 14 और 15 प्रश्न हल कर पाने में समर्थ हो सके। एक सवाल मैं बिल्कुल व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ आपसे, मैं समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ये करते हुए एक शिक्षक एक गुरुजी के नाते आपके मन में भाव क्या था? देखिए दो भाव होते हैं, एक सरकारी नौकरी है जैसे तैसे 10 से 5 टाइम काटना है और निकल जाना है, और एक अंदर का दूसरा भाव होता है कि मेरे ऊपर बड़ी जवाबदारी है नई पीढ़ी को तैयार करने की, क्योंकि वो देश का भाग्य और भविष्य वो पीढ़ी बनाएगी।
तो सर एक अध्यापक और एक शिक्षक के नाते मैं आपके मन के भाव क्या थे ये जानना चाहता हूँ, और पूरे प्रदेश को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मन में भाव क्या थे, कैसे आपने संभव किया। तो इसका सर एक ही निवेदन करूंगा सर कि हम लोग जब रविवार को अवकाश के दिन भी रहे तब भी हमारी उपस्थिति केवल बता दिया था कि कल स्कूल खुला है 100% हो जाती थी, पूरे बच्चे आ जाते थे, हमें समय का कभी पता ही नहीं लगा कि कितना टाइम हो गया। साथ ही साथ जब हम लोग निकलते थे तो बच्चे हम लोगों को खींच लेते थे कि ये प्रश्न और बता दो, हम लोग वहां से स्कूल बंद करने के बाद निकल रहे तो मोहल्ले में हमारे बच्चों के बीच में कोई दीवार थी नहीं, बच्चा घर भी पूछ ले, रस्ते में पूछ ले, कहीं पूछ ले, तो बड़ा आनंद प्राप्त होता था जब बच्चों के साथ काम करते थे। जोर से ताली हो जाएगी। किसी काम में अगर आनंद प्राप्त होने लगे तो आप ये मानिए कि परिणाम बेहतर आना सुनिश्चित ही है, कोई रोक नहीं सकता उस परिणाम को। ये जो आनंद की मानसिकता चाहिए कि मेरे ऊपर जवाबदारी है इन बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षित करने की, पढ़ाने की, क्योंकि ये बच्चे कल का भारत बनाएंगे, और इसमें तन्मयता और आनंद अगर आने लगे, और ऐसे शिक्षक हमारे पास जो कहते हैं मुझे आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे सभी शिक्षकों को मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। अच्छा, दो बड़े त्यौहार है, दशहरा दिवाली, उस समय भी नहीं लगा के इस समय तो छुट्टी मना ले। नहीं, हम लोगों का दशहरा दिवाली स्कूल में ही मन गया क्योंकि घर में तो 5-6 लोग मिल पाते थे, स्कूल में तो सैकड़ों बच्चे हो जाते थे, तो वहां भी उत्साह था, दिवाली भी स्कूल में मना ली हम लोगों ने। एक शिक्षक अगर चाहे तो सारे विद्यालय को बदल सकता है। हम लोग सुन रहे थे माधव जी को, मैं मेरा भी अनुभव आपको बताता हूं। मुझे पढ़ाया, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, 8वीं तक सरकारी में पढ़ा, फिर वो सरकारी ही था मॉडल स्कूल जो टाटा टोपे नगर में है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित, तो किसी पब्लिक स्कूल में नहीं गया। और जैत में मैं अपने गांव में पढ़ा तो हाथ में फट्टा लेके जाता था बैठने के लिए, एक हाथ में फट्टा रहता था, बोरी वो टाट भी रहती थी ना, और वो फट्टा काय का रहता था, जो खाली बोरा बोरी रहते थे वो दे देते थे, तो वो पकड़ के एक हाथ में ले जाते थे, क्योंकि वहां उस जमाने में टाट पट्टी नहीं हुआ करती थी बैठने के लिए, और एक में बस्ता होता था। और जब जाते थे तो सबसे पहले हम जो हमारे शिक्षक थे रतनचंद जैन जी, जिनको हम गुरु मानते थे, तो उनके चरणों पे हम अपना सिर रख के कहते थे प्रणाम गुरु जी, और अपना फट्टा रख के और उस पर बैठ जाते थे। मैं जो कुछ हूं, और मैं सब बच्चों को भी बताना चाहता हूं, अगर मुझे बनाने का श्रेय माता पिता के साथ सबसे ज्यादा है तो मेरे गुरु श्री रतन चंद जैन जी को है। एक शिक्षक बदल देता है। माधव जी, मैं आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, इसी समर्पित भाव से पढ़ा के आप कई ऐसे लोग तैयार कर सकते हैं जो दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई।